फूलों की तरह ध्यान रखेगी तू इसका? अरे यार फूल वाले का तो ध्यान नहीं रखा तूने, इसका फूल और धागा अलग कर डाला, बहुत ध्यान रखेगी तू फूल वालों की, बहुत ध्यान रखेगी तू फूलों की तरह? अब भी मेरे को सब समझ आ रहे, तेरे मुंह से इतने फूल काहे को बरस रहे थे। आकाश और रिया घर पे आ गए, रेणुका उन लोगों का गले मिलके करती है स्वागत। वहीं सचिन देख के भड़क जाते हैं क्योंकि उसे याद आ जाता है कि कैसे रिया के पापा मम्मी ने सचिन के पापा परेश की थी बेइज्जती। सचिन सुनाते हैं रेणुका को कि कैसे आप इन दोनों का स्वागत कर सकती हो जिन्होंने इतना कुछ किया है। सचिन कहता है तेजस और रोशनी के नक्शे कदम पे चल के आकाश और रिया भी घर पे रहने आ गए हैं। सचिन रिया और आकाश को घर से निकालने को कहता है। वहीं ममता खुद अकेली आई है और रिया के पापा नहीं आए। इससे ये साबित होता है कि पैसों का इल्जाम लगाया था सचिन पे वो सही साबित होता हुए दिख रहा है। इसलिए या तो उसके पापा आए और माफी मांगे, नहीं तो रिया और आकाश यहाँ से निकले। सचिन के पापा भी मंजूरी देते हैं और ममता भी बोलती है कि रिया के पापा को वो करेंगी कन्विंस। वेल, आगे क्या करेगा सचिन ये देखने के लिए उड़ने की आशा से जुड़े। फूलों की तरह ध्यान रखेगी तू इसका? अरे यार फूल वाले का तो ध्यान नहीं रखा तूने, इसका फूल और धागा अलग कर डाला, बहुत ध्यान रखेगी तू फूल वालों की, बहुत ध्यान रखेगी तू फूलों की तरह? अब भी मेरे को सब समझ आ रहे, तेरे मुंह से इतने फूल काहे को बरस रहे थे। अरे जो फूल वाली है उसका तो फूल और धागा अलग करके बैठी है जिंदगी में, इसका ध्यान रखेगी तू? वाह, अब भी सब समझ आ रहे मेरे को, तेरे मुंह से फूल काहे को बरस रहे थे। चुप हो जा बाबा, ये लोग रवाना कर इधर से, मैं बता रहे कुछ गलत हो जाएगा, मेरे हाथ से बता रहे। और तू ये क्या धर्मात्मा बन रही है इधर कि प्रॉब्लम का सलूशन में देगी करके? सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम है कौन है इस टाइम पर? ये और ये दोनों को निकाल इधर से, बता रहे। अरे बाबा रे बाबा, मैं को इतना ज्ञान नहीं दे सारी फालतू का, मैं बता रहे तेरे को, मांगता है मैं कुछ ना करूं, ये लोग इधर से निकाल वरना मैं कुछ गलत कर बैठने का, बता रहे। घर पे देखा जा रहा है कि कुछ लोग आए हुए हैं और सचिन बेखौफ हो गया है, क्या कहेंगे कि क्या? सचिन को एक्चुअली रेणुका ने बंद कर दिया था बाथरूम में कि वो बाहर आकर कोई ड्रामा ना क्रिएट करे, नोइंग कि आकाश और रिया घर आ रहे हैं। तो साइली ने जब देखा कि आवाज़ आ रही थी बाथरूम से, मैंने दरवाज़ा खोला तो सचिन बाहर निकल गया, कि मुझे भी नहीं पता था वो लॉक्ड है। जैसे ही बाहर आया उसने गुस्से में सबको सुनाना शुरू कर दिया, और मैं उसे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसे कह रही हूँ कि भरोसा करो मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, बिकॉज ही वॉज़ आस्किंग मी कि साइली तूने झूठ बोला वापस एंड ऑल दैट। मैंने बोला प्लीज़ ट्रस्ट मी, हमने अभी वचन लिए थे कि वी आर नॉट गोना डू एनीथिंग रॉन्ग। अब वो हुआ और बीच में अपनी ममता जी जो है वो बोल रही कि इस घर के बारे में तो हमें पता है। तो उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, दूसरों के घर को जब आप बोलते हो पहले खुद को देखो ना, आपके तो पति भी नहीं आए आपकी बेटी को यहाँ ड्रॉप करने के लिए, तो आई यू क्वेश्चनिंग हमारे परिवार को? उसको थोड़ा सुनाती हूँ और सचिन को भी थोड़ा शांत करती हूँ कि प्लीज़ सचिन चलो लेट्स जस्ट लेट इट गो। मतलब अभी आ गए हैं आकाश और रिया, जैसे अभी हमने तेजस और रोशनी को एक्सेप्ट किया, हमने आकाश और रिया को भी एक्सेप्ट किया है, लेट्स स्टे एज अ फैमिली टुगेदर। तो वही बात चल रही है यहाँ पर, और आपको जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ भाइयों के बीच में, बहुओं के बीच में देखने मिलने वाली है। आई थिंक एक कॉन्स्टेंट कंपेरिजन तो होगा ही कि ये दुबई वाली है एक बहुत ही रिच फैमिली से, और एक जो है फूल वाली बेचारी। सो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ दिस थिंग, डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंसेस जो होते हैं ओपिनियन में घर पे, और हर चीज़ों में जो रोक टोक नोक जोक होगी वो आपको देखने मिलने वाला है। हाय सचिन, वेलकम टू टेली चक्कर। सचिन इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं उड़ने की आशा के बारे में, और अभी काफी अच्छा मूड आपका था, बट एकदम से यू नो आकाश और रिया घर में आ गए हैं, तो क्या ये सब सीन चल रहा है? कुछ नहीं, सुबह से बाबा की बाइक को बहुत ही मीठी बन रही होती है सचिन के साथ, और बोलती है बेटा जल्दी खा ले तुझे जाना है, ये वो। तो सचिन समझ आता है कुछ तो चालू है, ये इतना इसको क्या पड़ी है कि मैं खाऊं और मेरे को काम के लिए लेट हो रहा है, मेरे को भगाने में क्यों लगी है। फिर सचिन अपनी एक्टिंग शुरू करता है, फिर वो घर के बाहर निकल भी जाता है, फिर वापस आता है कि अरे मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को बाथरूम जाना है, ये वो है। और जैसे वो बाथरूम में घुसता है रेणु बाहर से लॉक कर देती है उसको। अब बाहर से लॉक कर दिया तो सचिन समझ आता है कि कुछ तो झोल है, वो अंदर से दरवाजा ठोकने लगता है, बाहर आता है तो हॉल में आकाश और रिया है। तो वो पूरा ड्रामा है क्योंकि सबको पता ही है कि इसका दिमाग फिर जाएगा वो लोगों को घर में देख के, और रेणु पूरी कोशिश करती है कि जिससे पहले आकाश रिया पहुंचे सचिन निकल जाए, पर सचिन कुछ दाल में काला है समझ लेता है और जाता ही नहीं है। तो ये पूरा हम ड्रामा शूट कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।